अंतरजाला क्लास को आपको सुस्वागत है। मैं आपका हिंदी अध्यापक निरंजन। आठवीं कक्षा का तृतीय भाषा हिंदी। तृतीय भाषा हिंदी पहला कविता प्रार्थना कविता में हम भगवान पर प्रार्थना किए अच्छा मति देने के लिए, अच्छा विद्यार्थी होने के लिए। अब हम चर्चा करेंगे इस अवधि में आठवीं कक्षा का दूसरा पाठ मिर्च मसाला। शीर्षक बहुत विशेषता है, शीर्षक पाठ का नाम बहुत विशेषता है, मिर्च मसाला। इसका मतलब क्या है? कुछ आदमियों ने या कुछ लड़के या लड़कियां उन्होंने क्या करते हैं, एक छोटा विचार को या छोटा विषय को बहुत बढ़िया बनते हैं या बहुत अलग अलग रूप में कहते हैं। छोटा विचार को बड़ा करने के लिए या दूसरा विचार बताने के लिए हम कहलाता है मसाला कहलाता है, या एक विचार को मसाला बनकर दूसरों आदमियों के साथ बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं, उसको मिर्च मसाला कहलाता है। तो यह विचार इस पाठ में दिए गए हैं, हम उस तरह नहीं करना। हम क्या है विचार, उस विचार को सत्य कहना। दूसरों के साथ हम बात करने के समय या दूसरों का विचार चर्चा करने के समय हम मसाला मत करना, क्या है वो बताना चाहिए। वह सत्य समझे तो समझने के बाद उन्होंने हमारा व्यक्तित्व पर ध्यान करते हैं, व्यक्तित्व को गिन कर सकते हैं। सो यह विचार मिर्च मसाला पाठ में दिए गए है, मिर्च मसाला। ओके, छोटा विचार को मसाला डालकर दूसरों के साथ चर्चा करते हैं। ओके, तो उस तरह गुण नहीं होना चाहिए। इस पाठ का उद्देश्य है छोटा विचार को बहुत बड़ा मत करना चाहिए, या रहस्य बात को रहस्य भी रहना चाहिए, या रहस्य बात को मसाला बनकर हम दूसरा बात मत कहना। तो पहले इस पाठ में दिए गए कुछ शब्दार्थ भी है, हम इस समय इस शब्दार्थ को चर्चा करेंगे। पहले शब्दार्थ कसम मतलब सौगंध या शपथ, अंग्रेजी अर्थ है प्रॉमिस। बात को पचाना, किसी बात को छिपा लेना। पेट फूलना, किसी बात को कहने के लिए उत्सुक होना। हम बात को पचाना मतलब डू नॉट अंडरस्टैंड, दूसरों का विचार मत समझ सकते हैं। पेट फूलना मतलब किसी बात को कहने के लिए उत्सुक होना है, वी आर वेरी ईगर टू से द मैटर। हम एक विचार को दूसरों के साथ या रहस्य बात दूसरों के साथ या दूसरों को बताने के लिए बहुत उत्सुकता से रहते हैं, उसको पेट फूलना कहलाता है। नेक्स्ट राज, राज मतलब रहस्य, अंग्रेजी अर्थ है सीक्रेट। पेट फट जाना, पेट में बहुत पीड़ा होना, दर्द होना, गेटिंग पेन। बात उगलना, रहस्य बात को प्रकट करना, स्पीक अप, रहस्य बात को दूसरों के साथ हम कहलाता है या प्रकट करते हैं, उसको बात उगलना कहलाता है। खबर मतलब समाचार या हाल, न्यूज। गौरैया स्पैरो,
गुब्बच्ची कहलाता है कन्नड़ में। तो यह विचार इस पाठ में क्या है, कौन है, उनका व्यक्तित्व तो कैसा है, हम देखेंगे। पहला, मैं इस पाठ को आदर्श वाचन करता हूं। बच्चों आप ध्यान से सुनिए, पाठ का नाम मिर्च मसाला, यह लोक कथा है, द मॉरल स्टोरी, लोक कथा। कभी 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 आदमी अपने विचारों को दूसरों के साथ बांटना चाहता है, लेकिन उसे यह ध्यान रहे कि राज की बात बताने से पहले वह सावधानी बरते। कभी कभी समटाइम आदमी द पीपल आर गोइंग टू से समथिंग विद अदर पीपल, अपनी अपने विचारों को दूसरों के साथ बांटना चाहता है। वी आर शेयरिंग अवर मैटर्स, वी आर टेलिंग अवर मैटर टू अवर फ्रेंड्स नाइबर्स, लेकिन उसे यह ध्यान रहे कि राज की बात बताने से पहले हम सावधानी से, कोई रहस्य बात है तो हम दूसरों के साथ कहने के पहले ध्यान से कहना। वी नीड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन आवर सीक्रेट न्यूज या सीक्रेट मैटर, यह विचार है। एक दिन शाम को भोलू आंगन में बैठकर दूध पी रहा था। उसे खांसी आई, दूध का लोटा लुढ़क गया था, थोड़ा सा दूध मुंह से निकलकर जमीन पर फैल गया। फैले दूध में उसको दो पंख दिखाई दिए। वह घबरा गया, अपनी पत्नी हीरा को बुलाकर कहा, देखो तुम किसी से नहीं कहोगी तो मैं तुमसे एक बात बताऊं, कसम से किसी से नहीं कहूंगी, पत्नी बोली। भोलो ने धूप में पंख की बात बता दी। हीरा इस बात को बचा ना पाई, उसका पेट फूलने लगा। अपनी पड़ोसन चंपा से कहा, एक राज की बात है, जानती हो आज क्या हुआ? उनके मुंह से कबूतर के पंख निकले, बहुत सारे, मुझे चिंता हो रही है, पर किसी से मत कहना। चंपा बोली, तुम भी किसी से मत कहना, लोग बात का बतगन बना देंगे। अगला गद्यवाद, चंपा से रहा ना गया। उसे लगा कि अगर यह बात किसी से नहीं कही तो उसका पेट फट जाए। अपनी सहेली चमेली को देखते ही उसने सारी बात उगल दी। कहने से पहले चमेली से वादा करवा लिया। चंपा बोली, देखो तो भोलू जी को आज खांसी आई और उनके मुंह से एक कोरा कबूतर निकला। चमेली को विश्वास नहीं हुआ, कोरा कबूतर? कबूतर तो इतना बड़ा पक्षी है, खाया कैसा होगा? अगला अनुच्छेद, कुछ ही देर बाद किसी पड़ोसन ने सुना कि भोलू के मुंह से झुंड के झुंड कबूतर, कौवे, गौरैये, मुर्गे आदि निकल रहे हैं। गांव में यहां तक खबर फैल गई कि कई आकार तथा रंग के पक्षी, विदेशों के पक्षी भी भोलू के मुंह से निकल रहे हैं और इन पक्षियों से आकाश भर गया है। राई का पहाड़ बन गया।
यह चमत्कार देखने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे। बेचारा भोलू भयभीत होकर किसी एक पेड़ पर छिप गया। थोड़ी देर बाद सब लोगों ने उसे ढूंढ निकाला। उसकी घबराहट देकर लोगों को समझ आया कि किसी भी रहस्य को बताने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। क्या है बच्चों, इस पाठ से हमें क्या सीख मिलते हैं? एक छोटा विचार, राही का पहाड़ बन गया। राही मतलब रागी, रागी कितना होता है, छोटा रहता है, उसको बड़ा बने तो, छोटा विचार को बड़ा बने तो इस बोलू का अवस्था आते हैं हमको भी। हम छोटा विचार क्या है उस बताए तो परवाह नहीं, हम मसाला बनकर दूसरों को बताए तो यहाँ बोलू का अवस्था आते रहे, बोलू का स्थिति भी हमें मिलते हैं। 10 बार सोचना चाहिए हम लोग, एक विचार दूसरों को कहने के पहले हम 10 या 100 बार हम सोचना चाहिए। आइए पहला गद्य भाग, बहुत आसान है यह पाठ। क्या एक छोटा विचार को मसाला बनकर बोलू का पत्नी और उनकी सहेली पड़ोसी ने पूरे गांव में यह विचार कहते हैं। एक दिन शाम को भोलू आंगन में बैठकर दूध पी रहा था। यह एक व्यक्ति है, इनका नाम है भोलू। इनका नाम क्या है? भोलू। इन्होंने आंगन में बैठकर, इनके घर के आंगन, आंगन में वरांडा, आंगन में बैठकर दूध पी रहा था। उसे खांसी आई, खांसी मतलब स्नीज, ही गॉट अ स्नीज। दूध का लोटा लुढ़क गया था, इन्होंने पकड़ा था, दूध का लोटा गिर गए थे। थोड़ा सा दूध मुंह से निकलकर जमीन पर फैल गए। इन्होंने कब दूध पी रहा था तब इनको एक खांसी आई, तब मुंह में हुआ दूध बाहर आए। फैले दूध में उसको 2 पंख दिखाई दिए। आंगन में वो कबूतर का पंख, पंख मतलब विंग्स, पंख दिखाई दी। कौन दिखाई दी? भोलू जी। वह घबरा गया। कौन? भोलू ने घबरा गया। अपनी पत्नी हीरा को बुलाकर कहा, he called his wife and he told, उन्होंने क्या बताते हैं? देखो तुम किसी से नहीं कहूंगी, सी शुड नॉट टेल एनीवन, दिस इज वेरी सीक्रेट। तो मैं तुमसे एक बात बताऊं, आई वुड लाइक टू से वन मैटर, कसम, शपथ, विल यू गिव मी प्रॉमिस? हीरा कहते हैं, कसम से किसी से नहीं कहूंगी, आई विल गिव प्रॉमिस, आई एम नॉट सेइंग एनीवन। पत्नी बोली, हीरा बताया। भोलू ने दूध से पंख की बात बता दी। भोलू ने आंगन में क्या हुआ, उनको क्या हो गया, उस विचार के बारे में हीरा को बताया। अगला गद्यवाद, हीरा इस बात को पचा ना पाई। हीरा को दूसरों को कहने के लिए बहुत उत्सुकता, पचा ना पाई क्या है, उनका कहने के लिए भूल गए, भोलू का बात हीरा ने भूल गए। तब हीरा को बहुत उत्सुकता आई, तब क्या करती है, उसका पेट फूलने लगा। उसका पेट फूलना, पेट फूलना, किसी बात को कहने के लिए बहुत उत्सुक होना। शी वॉज वेरी ईगर टू से द मैटर टू हर फ्रेंड। अपनी पड़ोसन चंपा से कहा,
एक राज की बात है, वेरी सीक्रेट मैटर इज हियर। राज मतलब रहस्य, सीक्रेट। जानती हो आज क्या हुआ? डू यू नो व्हाट हैपेंड टुडे? उनके मुंह से कबूतर के पंख निकले। गोलू जी के मुंह से क्या निकले? कबूतर के पंखे निकले। केवल एक ही नहीं है, बहुत सारे। देयर आर मेनी विंग्स केम फ्रॉम गोलू'स माउथ। मुझे चिंता हो रही है, आई एम वेरी वरी अबाउट दैट। पर किसी से बात मत करना, यू शुड नॉट टेल एनीवन। हीरा ने चंपा को कहा। चंपा बोली, तुम भी किसी से मत कहना। लोग बात का मतंड बना देंगे। आप भी मत बताओ दूसरों के साथ। इस बात सुनकर लोग मसाला बनकर पूरा गांव को कहलाता है। यह विचार क्या हुआ? एक छोटा विचार को बदगंड करते हैं, या मसाला करते हैं, या फाइल करते हैं। मिर्च मसाला क्या हुआ? भोलू का एक बात इनका पत्नी क्या कहलाता है? इनका पत्नी कैसे कहलाता है? अच्छा, हम अगला कक्षा में इस पाठ का अगला भाग या अगला पाठ भाग को चर्चा करेंगे। बच्चों, आप भी एक और दो बार घर में पढ़िए, बहुत आसान है। कुछ शब्दार्थ भी दिए मैंने और अर्थ भी बताया मैंने। हम अगला कक्षा में मिलेंगे बच्चों। चलिए, नमस्कार।